वोल्ट सप्लाई जनरेट होती है, जिस PSOR को ग्राउंड करने के बाद में 50 वोल्टेज हमारा जनरेट होता है। बहुत जगह पे पावर सप्लाई में मार्क रहता है 20-50 वोल्टेज। स्टैंड बाई 5 वोल्ट या B5 वोल्टेज जो PSOR को ग्राउंड करने के बाद में जनरेट होता है। सैमसंग की पावर सप्लाई में अगर आप देखेंगे तो PSOR के अलावा आपको कहीं पे कोई सप्लाई नहीं मिलती। ज्यादातर लोग उसमें स्टैंड बाई 5 वोल्ट ढूंढते हैं, उसके अंदर स्टैंड बाई 5 वोल्ट भी नहीं होता। PSOR को ग्राउंड करने के बाद में 5 वोल्ट B15 वोल्टेज और B5 वोल्ट हमारा जनरेट होता है। उसके बाद में हम VSON कराते हैं और VS कंट्रोल, ये दो पिन को शॉर्ट करते हैं जिसमें VSON पर कोई सप्लाई नहीं होती, VS कंट्रोल पे 3.3 वोल्ट सप्लाई होती है। जो सप्लाई VSON को मिलती है मिलने के बाद में हमारा VS और VA वोल्टेज जनरेट होता है। वो जनरेट होने के बाद में हमारा पावर सप्लाई ऑन हो गया। B15 वोल्टेज और VA VS वोल्ट हमारे जेड मोड को जाते हैं। VA वोल्टेज हमारे जेड मोड तक रह जाते हैं, कभी वो आगे नहीं जाते। जेड मोड से VS वोल्टेज ग्राउंड और 15 वोल्ट हमारा वाई मोड को आता है। वाई मोड से वापस दो सप्लाई जनरेट होती है, 5 वोल्ट और 14 वोल्ट, जो दोनों सप्लाई हमारी कंट्रोल बोर्ड को आती है। कंट्रोल बोर्ड के अंदर 2.5, 3.3 और 5 वोल्ट जनरेट होता है। सिग्नल जनरेट होता है जो जेड बोर्ड को जाता है और एक सिग्नल जनरेट होता है जो वाई बोर्ड को आता है। वाई बोर्ड को सप्लाई मिलने के बाद में 20 स्क्वायर वोल्टेज और B15 वोल्ट हमारा बम्पर को चले जाते हैं। अब ये सब चेक करने के लिए हमें सेल्फ टेस्ट बोर्ड की जरूरत पड़ती है जो कंट्रोल बोर्ड में रहता है, किसी सैमसंग के मॉडल में मदर बोर्ड में। इस प्रोसेस को करने के बाद में हमारा PDP ऑन हो जाता है, हमें चेक कर सकते हैं कि हमारा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद में एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, इतना करने के बाद भी सेट ऑन नहीं होता, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग शॉर्ट पॉइंट यूज करें। ये तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर दीजिए। मतलब हमने कंट्रोल का डिजिटल सिग्नल को रीसेट बोर्ड में डाल दिया, अब हमारा कंट्रोल कट ऑफ नहीं होगा, कंट्रोल हमारा ऑन ही रहेगा। जनरली रीसेट मोड हाई होता है, रीसेट को जब हम ग्राउंड कर देते हैं तो वही एनेबल मोड में चला जाता है। इस कंडीशन में ऑन करने पर जो हमारे हिडन सिम्टम रहते हैं, जो बहुत सारे सिम्टम जैसे नेगेटिव पिक्चर का आना, बाहर सारे टीवी बंद हो जाना, हल्का फ्लैशिंग आना, हल्का फ्लैशिंग मोड में अगर आप ये पॉइंट शेड शॉर्ट करोगे तो आपका PDP कंटिन्यू ऑन हो जाएगा, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा कौन से सेक्शन में फॉल्ट है। बहुत कॉमन सा फॉल्ट है, हमारा 20 स्केल वोल्टेज लो आता है। काफी सारे टेक्नीशियन से जब मैं पूछता हूं कि सर आपका 20 स्केल वोल्टेज कितना आ रहा है, सर AB से ऊपर नहीं जाता है, रीसेट काम करता है, हाँ हाँ काम करता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि उन्होंने चेक ही नहीं किया होगा। सिर्फ पूछने के बाद में बोल देते हैं, हाँ सर हमने चेक किया, हमारा वोल्टेज बराबर है। कई बार जो मीटर हम लोग यूज करते हैं उसका एरर होता है। मैंने खुद कितनी बार देखा है कि अगर आपके मीटर का इनपुट इम्पीडेंस हाई नहीं है तो आप कोई भी ऑसिलेटेड सप्लाई, जैसे आप HOUT के कलेक्टर पे सप्लाई नहीं मीटर कर पाते, सेम कंडीशन यहां भी है। 15625 Hz की सप्लाई आपको नहीं चेक कर लेना। ये जितना भी ऑपरेशन हो रहा है ये 40 किलो हर्ट्ज के ऊपर सप्लाई है। कल जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था 50 हर्ट्ज सप्लाई, फिर EI को
दिला दी, फिर उसके बाद फेराइट कोर आया। अभी मैं छोटा सा ट्रांसफॉर्मर आता है और आपको 150 एम्पीयर तक करंट देता है फेराइट कोर में। वी स्केल वोल्टेज के लिए एक प्रीसेट सेपरेट दिया होता है, सैमसंग के अंदर ज्यादा प्रीसेट का झंझट नहीं है। लोअर स्क्रीन ड्राइव सेट करना है, अपर स्क्रीन ड्राइव सेट करना है, उसका ज्यादा झंझट नहीं है। खाली सिंपली प्रीसेट दे दिया, वी स्केल वोल्टेज आप सेट कर दो, ये भी चालू हो जाएगा। -135 to -185 वो पीडी के ऊपर, पीडीटी के ऊपर देखिए, यहाँ पर एक स्टील का रहता है, वहां पर वो वोल्टेज मेंशन करता है। लोग ये स्पीकर की तरफ ध्यान नहीं दे। अच्छा, सबसे बड़ा तकलीफ आता है पैनासोनिक के अंदर, पैनासोनिक के अंदर स्पीकर नहीं होता और वोल्टेज भी नहीं लिखी होती, और वहां पर वोल्टेज भी नहीं लिखा होता। आपको कैसे कंफर्म होगा वीएस वोल्टेज हमारा कितना है और वीए वोल्टेज कितना है? पैनासोनिक के अंदर वीएस वीए वोल्टेज ही नहीं होता, सिर्फ वीएस वोल्टेज होता है। उसका सबसे अच्छा तरीका है कंफर्म करने का कि वीएस वोल्टेज पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसका वोल्टेज का 30% माइनस कर दीजिए, आपको 10% उसका वोल्टेज पता लग जाएगा। सपोज आपका 250 वोल्ट का कैपेसिटर वहां लगा हुआ है, 30% माइनस करेंगे तो 187-190 के पास आएगा। आपको इतना कंफर्म है 350 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया तो आपको मालूम है कि 265 से 250 वोल्ट के आसपास रहेगा। 30% माइनस करके तो बहुत सिंपल सा कर दीजिए, मेरा अपना है बाकी एलजी सेंसर के अंदर लिखा रहता है कहां पर कितना वोल्टेज है। और अभी तो लेटेस्ट के जो सेट थे बंद हो चुका है, जो लास्ट में जो सेट थे वहां पर आपको टेस्ट पॉइंट पर मेंशन किया हुआ है यहां पर कितना वोल्टेज आएगा। सिर्फ आपको उनकी लैंग्वेज को समझना है। ओके, ये प्लाज्मा का फ्लो चार्ट हो गया, ये तो आपको मिल जाएगा परसों तक। अब मुझे बताइए ये कैसे ऑन होगा, कोई भी एक आदमी आके मुझे बताइए कैसे चल रहा है। कल मैंने किसी को नहीं बुलाया क्योंकि एलजी बहुत आसान है, कोई भी बना ले। पंजाब की मिठाई है, कोई एक आके एक्सप्लेन करो, मैं बैठा हूँ उसके पीछे। चलिए मुझे लगता है मेरा समझाना व्यर्थ हो गया। आप स्टार्टिंग करो ना, मैं साथ में बोलता हूँ सेट पर काम करना और लेआउट